Invitation for the discussion. श्रीमती सुलता देव, श्रीमती सुलता देव प्लीज। माननीय उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ। क्योंकि अब जब देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए सर। इसीलिए क्योंकि जो पुराना कानून हम लोग 54 साल से पहले आया हुआ था, वो कानून का अभी बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि हम लोग सब देखे हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में कितना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के। क्योंकि मैं खुद एक ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि अगर जन्म और मृत्यु के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होता है तभी कितना मुश्किल होता है। अगर छोटी बच्ची होती है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट सभी जगह दिया जाता है, जैसे स्कूल हो कहीं पर हो, मगर बर्थ सर्टिफिकेट को निकालने के लिए ये सब भी मानेंगे कि हमारे जूतियाँ घिस जाती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक निकालने के लिए हम लोग जब इधर उधर उधर भागते रहते होते हैं, हमारे जूतियाँ घिस जाती है। और ऐसे ही ठीक अगर हम लोग डेथ रजिस्ट्रेशन मृत्यु का भी सर्टिफिकेट निकालना चाहे तो भी उतना ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये सारे जो है ये फिजिकली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, मगर जब के अब डिजिटल इंडिया के बात हो रहा है तो ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हो रहा है। अब ये बिल अमेंडमेंट होके ये बिल पास होने पर जो बच्चे पैदा होंगे, मैं तो बोलूँगी कि वो सारे बच्चे इतने खुशनसीब होंगे कि उनका सारा जो जन्म का रजिस्ट्रेशन होगा वो सारे ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। और वैसे ही जब मृत्यु किसी की होगी तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। ये सभी के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और एक बात है इसमें, जब हम लोग कहीं पर कुछ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जब हम लोग को किसी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, तब हम हमेशा हर डॉक्यूमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करके घूमते रहते हैं। फिर स्कूल में एडमिशन के लिए हो, फिर इंटरव्यू के लिए हो, फिर पासपोर्ट के लिए हो, फिर डीएल के लिए हो, सभी का डॉक्यूमेंटेशन जितना होता है हम सब सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके घूमते हैं। मगर अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये बिल के पारित होते हम लोगों को इतने सारे जो कागजात हैं, इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमको साथ में लेके जाना नहीं पड़ेगा। ये हम एक ही बर्थ रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से हम सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये अब जब भारत बदल रहा है तो ये कानून को भी बदलना चाहिए। और एक बात है, हम सब देखे हैं गांव में हो, चाहे वो पंचायत का वोट हो, म्यूनसिपालिटी का वोट हो, कोई जनरल इलेक्शन हो, तब क्या होता है ना, जो बच्चों लोगों का 18 साल से ज़्यादा हो गया है वो लोग क्या होते हैं ना, वो वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाते। जुड़ने के लिए बहुत सारे पैराफोर्मियाज होते हैं,
फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर जोड़ तोड़ का भी काम किया जाता है, कोई जोड़ेगा कोई तोड़ेगा, ऐसा भी चला जाता है। तब हम बहुत सारे कंप्लेंट भी रिसीव करते हैं, कहाँ पर ना, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बहुत सारे कंप्लेंट आप देखे होंगे रिसीव करते हैं कि ये हम लोग नाम दिए थे, ये हमारा एज भी हो गया मगर हम लोगों को नहीं डाला गया, और किसी किसी का नाम अगर डाला गया भी हो तो उससे कट भी जाता है। तो क्या हुआ, तो क्या होता है, तो तभी कंप्लेंट भी रिसीव होता है, और ये जो हम लोग जो नागरिकता हमको मिलती है, वोट देने का अधिकार मिलती है, और उससे भी हम लोग वंचित रहते हैं। तो इसमें क्या है कि अच्छा ही होगा, जिस बच्चा का 18 साल से ज्यादा हो जाएगा वो अपने ही आप इलेक्टोरल ये में जुड़ जाएगा, इसमें क्या होगा ना, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अपने आप ही वो जो रजिस्टर है उसमें से कट जाएगा। इससे क्या होगा ना, जो फेक वोटर्स भी होते हैं जिसको हम लोग गोस्ट वोटर मानते हैं, बोलते हैं कि ये लोग तो हमारे है नहीं, फिर हमारे ये इन लोग का डेथ हो गया, इनका वोट कौन दिया, इससे भी हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि हम भारत जो दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र राष्ट्र है, ऐसा इस तरह का होना भी नहीं चाहिए था। अब ये जो आईन आ रहा है, ये जो विधेयक आ रहा है, इससे हम लोगों को भी निजात मिलेगी, सारे पार्टियों को, बस मेरी पार्टी नहीं सारे पार्टियों को। और एक बात है, जब किसी के डेथ हो जाती है, जैसे किसी का जन्म होता है घर में खुशियां मनाई जाती है, मगर अगर किसी की डेथ हो जाती है, समय से पहले भी हो जाती है, किसी पेंशन होल्डर की डेथ हो जाती है, तब क्या होता है ना, डेथ होने के बाद में डेथ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अगर ना मिले, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों के घर में पेंशन कैसे जाएगा, वो नहीं जा पाता इन टाइम में। अगर जो लोग होते हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, या जो लोग का कहीं पर अगर लीगल इश्यूज रहता है, कहीं पर अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है ना, जमीन बाड़ीज का इशू रहता है, तभी अगर क्या होता है ना, तो फिर वहाँ उन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का ऐसा सामना करना पड़ता है। कम से कम ऐसे क्या होगा ना, ये बिल जब आएगा, इससे कम से कम जो डेथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उन लोगों के लिए ये चीज सहज और सरल हो जाएगी। मेरा और एक बात है कहने के लिए, जो मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम ये बात भी इसमें थोड़ा देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे, सारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज है जिन लोगों का रिटायरमेंट एज होने के बाद में फिर क्या होता है ना, वो रिटायर हो जाते हैं, बार बार उनको साल में एक बार जाके अपनी हाजिरी देने पड़ती है कि हम लोग जिंदा है। कम से कम ये जो लोग अभी है उनके लिए ये नियम बना दिए जाए कि, क्योंकि हाँ ठीक है कोई चल फिर सकता है, वो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर ऐसे भी कितने पेंशन होल्डर्स है जिन लोगों की एज देखा जाए तो 90 से भी ज़्यादा हो गए, उन लोगों का चलने फिरने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, मगर अगर देखें तो उसके लिए ये प्रावधान करना चाहिए कि कम से कम उस चीज़ पे आज के बाद से ये बिल पास होने के बाद में थोड़ा रोक लगवा दीजिए, क्योंकि जिन लोगों का डेथ होगा अपने आप ही रजिस्टर में चढ़ जाएगा, तो उनके घर में घर से जाके प्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं होगा। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगी, ये आधा ये जो आप, और एक छोटा सा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, ये जो आधार के साथ ये जुड़ा होता है, ये हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो अगर बच्चा पैदा होता है उसको बाप माँ का नाम भी मिले, उसको नेशनलिटी भी मिले, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो, तो हम लोग जाके वहाँ पर क्या करते हैं ना, हम लोग अभी कंक्लूड कर देते हूँ, एक मिनट सर, तो ये क्या होता है सर, एक मिनट सर प्लीज सर, तो ये क्या होता है ना, जब वहाँ पर जब लोग रजिस्ट्रेशन होता है, हम लोग अपना आधार डिटेल्स देते हैं, इसमें प्रावधान है आधार डिटेल्स देने का,
सर ये दो तरह का होता है क्योंकि आधार डिटेल्स कभी कभी सभी जगह नहीं दिया जाता। सर इसके लिए एक मेकानिज्म होना चाहिए कि इसके लिए जो आधार में इंफॉर्मेशन है वो कहीं शेयर ना हो। मैं ये फिर भी मैं ये बिल हमारे सबके लिए